राजा। हाँ जी हाँ, हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन वाह, भाई वाह। हाँ भाई, मुबारक हो। थैंक यू। गुल्लू कहाँ है? ओ, एक टैग वाला। हाँ, धीरे धीरे पीछे पीछे आ रहा है। आओ, मैं तुम्हें अपने भैया और भाभी से मिलाती हूँ। चलो, हम भी मिलूंगा। भैया, यह है मेरे भैया और भाभी। हेलो। यह है राजा और उनके दोस्त। नमस्ते। अच्छा, अब तो सारे मेहमान आ गए, चल जल्दी से केक काट ले। अच्छा, प्रिया, मम्मी ने यह केक भेजा है, खास अपने हाथों से बनाया तुम्हारे लिए। हाउ स्वीट। भाभी, मैं ये केक काट लूं? बड़े प्यार से भेजा है उन्होंने। अभी से सास का इतना ख्याल रख रही है, शादी के बाद तो हमें भूल ही जाएगी। चल आजा। आइए। आए। प्रिया कह रही थी तुम्हें किसी ने गोद लिया हुआ है, क्या नाम है उनका? जी, फ्लोरेंस जॉयनर। फ्लोरेंस जॉयनर, ये नाम तो कहीं सुना हुआ है। खैर, उनके पति का क्या नाम था? जेम्स जॉयनर। जेम्स, जेम्स जॉयनर जी। सुनिए, केक कट रहा है। हैप्पी बर्थडे। क्या करते थे मिस्टर जॉयनर? जी, एक बिजनेसमैन थे। उनकी मौत कैसे हुई थी? कार एक्सीडेंट में। कार एक्सीडेंट में या पुलिस फायरिंग में? भैया, मैं नहीं चाहता कि तुम एक झूठे बेईमान और धोखेबाज आदमी से कोई रिश्ता रखो। ये क्या कह रहे हो भैया? मैं ठीक कह रहा हूँ। जानते हो जो मुझसे अभी क्या कह रहा था? कि जिस औरत ने इसे गोद लिया है उसका पति एक बिजनेसमैन था, जबकि वो एक पेशेवर हत्यारा था। ये आदमी मुझसे कह रहा था कि उस आदमी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, जबकि सच्चाई ये है कि आज से 20 साल पहले वो पुलिस की गोलियों से मारा गया था। एक बर्बर हत्यारे की विधवा अपने गोद लिए हुए बेटे को गुंडागर्दी और मक्कारी के सिवा सिखा भी क्या सकती है? अपनी जबान को लगाम दे इंस्पेक्टर, लगाम दे अपनी जबान को। मेरी माँ के खिलाफ एक और गलत लफ्ज कहा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू इंस्पेक्टर है। Oh, shut up and get out from here. It's okay, I'm going. तुम्हारा इस शराफत के चिड़िया घर में रहने का मुझे कोई शौक नहीं, समझे तुम? बाय प्रिया, चले दीपक। हेलो, जाने से पहले अपनी माँ का ये सड़ा हुआ केक भी लेते जाओ। भी नहीं हूं कि सरेआम तेरी इज्जत पर कीचड़ उछालने वाले को इस बात का एहसास भी ना दिला सकूं कि बेइज्जत होने का दर्द क्या होता है। सीन खत्म हो चुका है चौहान साहब, अब आप ये नाटक बंद कर दीजिए। अरे आप ही ने तो कहा था कि प्रिया के चुमन के साथ ये नाटक खत्म हो जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब लोगों ने जो देखा दरअसल वो हकीकत नहीं थी। प्रिया के जन्मदिन पर आप सब लोगों को सरप्राइज देने के लिए सोच समझ कर किया गया एक नाटक था, जिसके दो किरदार थे, एक मैं खुद और दूसरे चौहान साहब। और चौहान साहब की इस खूबसूरत अदाकारी के लिए जोरदार तालियां। मुझे तो आज तक नहीं पता था कि आप इतने अच्छे एक्टर हैं। होगा होगा चौहान साहब, होगा, गाना बजाना भी होगा। आओ। यस बेटा। क्या कहा बेटे? पापा कौन? हाँ,
राजा, मुझे लगता है इंस्पेक्टर चौहान तेरा पीछा करते करते जरूर तेरे घर तक पहुंचेगा। गुल्लू ठीक कह रहे राजा, तू अपनी मम्मी को लेकर कहीं छुप जा। लेकिन दीपक, मैं छिपूंगा। हमारे तबेले में फैसक बीच। अरे छुपे, मेरा एक दोस्त है, 2 साल से वो लंदन में रहता है, पुलिस को उस घर की भनक तक नहीं पड़ेगी। चलिए ना पापा। पापा अंकल कौन? इधर बेटा। उधर। जुहू पुलिस स्टेशन। कौन? वर्मा, मैं चौहान बोल रहा हूँ। यस सर। वो कॉलेज के लड़कों के फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट्स आ गई हैं? यस सर, मगर एक लड़के के फिंगरप्रिंट साफ साफ नहीं आए सर। सर, एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसने हाथ में तेल या मोम लगाकर फिंगरप्रिंट्स दिए होंगे। उसका नाम राजा है ना? यस सर, मगर आपको कैसे पता चला? उसकी तुम छोड़ो। देखो, मैं 5 मिनट में वहाँ पर आ रहा हूँ, तुम फोर्स रेडी करो, इट इज वेरी अर्जेंट। अरे चलो चलो, जल्दी ले अंदर गाड़ी, हम गुस्सा बंद करो। उधर अच्छा, जल्दी। मम्मी चलो। नहीं आएगा, तुम अब भी इसके अब भी हमको अपने घर में छोड़ कर आओ। अरे तुम समझ सकते हो मम्मी, हम उधर नहीं जाने को सकता, उधर हमारा मर्डर हो जाएगा। मम्मी, हमें एक आदमी को खून करते हुए देखा है, और वो आदमी और उसका गैंग मिलकर हमारे जान के पीछे पड़ा है। तुम सच बोलता है राजा? हम सच बोलता है मम्मी, हम सच बोलता है कि खून होते हुए हम अपनी आंख से देखा है। अरे अरे, तुम रोता है पगला? अरे बच्चे का हंसी में तुम माँ का खुशी है। तुम जिधर बोलेगा ना बाबा, तुम्हारा मम्मी उधर ही चलेगा। चलो अभी हमको हंसकर बताओ, हंसकर बताओ। हाँ, अरे मेरा बाबा। माजी माजी, कौन सी चक्की का आटा खाती हो? कैको बहुत मोटे आ गई हो, हमारा हाथ अब तक फिरा रहा है। चुपे। अच्छा हुआ, चलो सामान उतारो गाड़ी से। कुछ भी बोलता है, बदमाश है। झूठ एक वेश्या की तरह है, जिसे लाख पर्दे में रखो मगर उसकी असलियत नहीं छुपती। आज तो झूठ ने तुझे बचा लिया, मगर उस बच्चे की गवाही तेरे झूठ की धज्जियां उड़ा देगी। दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास? एक तो रास्ता है। क्या? क्या? हम टिकट कटा के उस बच्चे को विदेश भेज देता हूँ, फिर पुलिस उसको वहाँ से लेवा नहीं ना पड़ेगी। भैया जी, अकल बड़ी के भैंस भैंस बहुत बड़ी होती है, हम देखा हूँ। देख राजा, मैं तो कहता हूँ कि तू इस बच्चे का मर्डर कर दे, ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। पागल हो गया क्या तू? हम अपनी जान बचाने के लिए बच्चे की जान लेंगे? इतना गंदा ख्याल तेरे दिमाग में आया कैसे? शर्म आती मुझे तुझे अपना दोस्त कहते हुए। पागल हो गया साला। राजा, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तेजा बोल रहा हूँ। इस बच्चे की गवाही हमारी मौत बन सकती है, इसलिए उस बच्चे को खत्म कर।